जय हिंद दोस्तों। आज 23 जून सैनिक खबरों में बात करेंगे। वित्त मंत्री की मीटिंग हुई है, 9 मांगे रखी गई हैं, जिसमें कि 8 पे कमीशन, कम्यूटेशन, ओपीएस जैसी 9 मांगे रखी गई हैं। इस पर बड़ी अपडेट है। जून की पेंशन 28 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएगी, स्पर्श ने मैसेज दिया है, स्पर्श का मैसेज आया है। इस पर बड़ी अपडेट है। और हवलदार एमएसीपी नायब सूबेदार ग्रेड 25,782 रुपए MACP 3 की पेंशन मिलेगी, एक लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। स्पर्श की खस्ता हाल पर कर्नल ने लिखा राष्ट्रपति महोदया को लेटर, इस पर बड़ी अपडेट है। और डिसेबिलिटी पेंशन की जांच होगी, नए डिसेबिलिटी नियम काफी कठोर है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिक की पत्नी और साली की पिटाई, लूटपाट की गई है, और पूर्व सैनिक सुपरवाइजर गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम पहली और अच्छी खबर पर बात करते हैं। 9 मांगे रखी गई हैं वित्त मंत्री सीतारमण की साथ में जो मीटिंग हुई है। और बता दें, ये मीटिंग जेसीएम स्टाफ साइट सचिव के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने 21 जून को मीटिंग की है। इसमें कहा गया है कि 9 मांगे रखी गई थी वित्त मंत्री के सामने। इसमें रेलवे कर्मचारियों के स्टाफ साइट की तरफ से मीटिंग की गई, और इसमें कहा गया है 8 पे कमीशन का तत्काल गठन किया जाए, जिससे इसको 2026 से तत्काल रूप से प्रभावी किया जाए। कम्यूटेशन को लेकर 15 साल की बजाय इसकी अवधि घटाकर 12 साल की जाए, ये मांग रखी गई। और बता दें, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की गई कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इनकम टैक्स डिडक्शन 88 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिले, क्योंकि बुढ़ापे में मेडिकल का खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनकम टैक्स डिडक्शन में जो बजट आने वाला है उसमें डिडक्शन में छूट दी जाए, इस पर बात की गई। तो ये मीटिंग जो 21 जून को हुई है, महासचिव शिव गोपाल मिश्र जो स्टाफ साइट के महासचिव हैं उनके साथ और वित्त मंत्री के साथ रखी गई थी, जिसमें कि ये बात निकल कर आई है। दूसरी बड़ी अपडेट है, पेंशन खातों में 28 जून 2024 को ही क्रेडिट हो जाएगी, ये स्पर्श ने मैसेज दिया है। और इसमें कहा है कि जो पेंशन है वो ना तो 29 तारीख को ना 30 तारीख को, ये 28 जून 2024 को ही क्रेडिट हो जाएगी। स्पर्श ने एडवांस एंटीमेशन मैसेज पहले ही दे दिया है। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है, 18 जून 2024 का ये लेटर है, ग्रांट ऑफ MACP 3 नायब सूबेदार ग्रेड, यानी कि हवलदार जो हैं जिनको MACP 3 मिलती है नायब सूबेदार ग्रेड की, इनको लेटर रिकॉर्ड ने भेजा है। और इन्होंने एक ग्रीवेंस डाली थी, जो कि ग्रीवेंस थी, इनको काफी दिनों से एमएससीपी नहीं मिल रही, जब से ये रिटायर हुए थे, और उसके बाद 15 मार्च 2024 को इनकी ग्रीवेंस डाली गई थी। इट इज इंटीमेट दैट MACP 3 नायब सूबेदार वेफ 29 अगस्त 2020, ये 29 अगस्त 2020 को रिटायर हुए थे, और बता दें उसके बाद से इनको एमएससीपी नहीं दी गई थी। अब इन्होंने जब ग्रीवेंस डाली तब उसका रिप्लाई आया है, और ये रिप्लाई आप देख सकते हैं कि इनको एरियर के साथ इसका भुगतान होगा। ग्रेनेडियर्स रिकॉर्ड की तरफ से 19 जून 2024 को लेटर लिखा गया है, और वही हवलदार जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिलना था नहीं मिली थी, अश्विनी कुमार हैं। ग्रांट ऑफ MACP 1 नायब सूबेदार ग्रेड, इसमें दिया हुआ है इनका ग्रीवेंस नंबर भी, 18 जून 2024 को जो कि ग्रीवेंस का रिप्लाई आया था, जो मैंने पिछला लेटर आपको दिखाया है। इट इज इंटीमेट दैट क्लेम इन योर रिस्पेक्ट ऑफ MACP नायब सूबेदार इन PPO हैज बीन सबमिटेड, अपलोड भी कर दिया गया, और साथ में इनका जो एरियर है ई पीपीओ के साथ, करेक्ट जेंडर PPO जारी करके PCDA ने ई पीपीओ भी जारी किया है। तो आपको बता दें कि जिसको MACP नहीं मिला है तो आप CP ग्राम में कंप्लेन करने के बाद वो आपको मिल जाएगा। MACP की कुछ शर्तें होती हैं, जिसको आपने पूरा अगर नहीं है तो आपको MACP नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अगर MACP तभी मिलता है जब आपका प्रमोशन या कैडर कुछ भी अनविलिंग ना दिया हो, तब आप MACP के हकदार होते हैं, नहीं तो आपको 8 साल के गैप में जो MACP मिलती है वो नहीं मिलेगा। हवलदार अगर 24 साल सर्विस कर लेते हैं तो उनको MACP 3 के हकदार बन जाते हैं, और वो फायदा उनको उनकी पेंशन में भी मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं, लेटर 2020 में रिटायर हुए थे, 2024 में इनको ये फायदा मिलने लगा है। एक बड़ी अपडेट है, लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्पर्श की समस्याएं हैं, आर्मर्ड फोर्स पर्सनल को काफी बढ़ गई हैं,
इसको जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाए और इसको दूर किया जाए, क्योंकि स्पर्श में उनके डाटा में मिसमैच आता है, कहीं पर डाटा अपलोड नहीं है तो आरओ में दिक्कत हो रही है, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जो भी दिक्कतें आ रही हैं इसको दूर किया जाए। इन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और कहा है कि स्पर्श में लगभग 10-15 ऐसी समस्याएं हैं जो हर पेंशनर्स के साथ हो रही हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट से, सैन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने विकलांगता पेंशन प्रक्रिया में कठोर जांच का आश्वासन दिया है। बता दें कि सशस्त्र सेना में एक नया डिसेबिलिटी पेंशन नियम लागू कर दिया गया था 2023 नवंबर के आसपास, सितंबर या नवंबर के आसपास। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन नियम काफी कठिन बन गए थे। इसके बाद अब इसमें कहा गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन तीनों सेनाओं, सशस्त्र चिकित्सा सेवाओं, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के व्यापक अध्ययन के बाद बदलाव किए गए हैं जो डिसेबिलिटी नियम बनाए गए हैं। सशस्त्र सेना चिकित्साओं के अंतर्गत AHRR के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नील कांत ने आश्वासन दिया है कि विकलांगता पेंशन देने की प्रक्रिया सख्त है। उन्होंने कहा है कि विकलांगता पेंशन देने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त जो नियम बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो गलत तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन ले लेते थे उनको रोका जाए और जो सही पात्र हैं उनको दिया जाए, नियंत्रित करने के लिए ऐसा काम किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नीलकांत ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों में पेंशन में चिकित्सा अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, अब वो गलत तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट आई है, पूर्व सैनिक की पत्नी व साली को पीटा।